गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार, मैं हूं संगीता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर संगीताज जर्नी। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड मस्ती में होंगे दोस्तों। तो आज अगेन बहुत ही ब्राइट एंड सनी डे है शिकागो में, और बाहर विंडी है लेकिन फिर भी स्प्रिंग जैसा फील है क्योंकि टेम्परेचर इज नॉट बैड एंड यू नो इट्स अ वेरी ब्राइट एंड सनी डे। लाइक मैं पहले वाले व्लॉग्स में भी आपको बता रही थी कि बहुत ही ग्लूमी एंड बारिश बारिश सा हो रहा था यहाँ पे, तो फाइनली थोड़ा लग रहा है कि स्प्रिंग जो है अभी जल्द ही आ जाएगा। तो आज मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अपनी लिविंग रूम, डाइनिंग रूम एंड जो मेरा पाउडर रूम है, जो बाथरूम है, उसको मैं थोड़ा स्प्रिंग लुक दूं। क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने फैमिली रूम एंड ऑफिस एरिया को मैंने स्प्रूस अप कर लिया है। उससे पहले वाली व्लॉग में भी आप लोगों ने देखा कि मैंने अपने किचन को भी स्प्रूस अप कर लिया है। तो अभी बाकी है मेरा डाउनस्टेयर्स में, मेरा बाकी है लिविंग रूम एंड एंट्रीवे फोयर एंड जो पाउडर रूम है वो, और डाइनिंग रूम, तो उसको हम आज स्प्रूस अप करेंगे और एक अच्छा सा स्प्रिंग लुक देंगे, क्लीन एंड एयरी लुक हम उसको देने वाले हैं। तो हमेशा मैं कहती हूं कि मैं डेकोर करने से पहले घर को हमेशा ही अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, डस्ट कर लेती हूँ, वैक्यूम कर लेती हूँ, मॉपिंग कर लेती हूँ। उससे पहले भी मैंने स्प्रिंग क्लीनिंग करी थी, सारी कुछ लाइक यू नो जो भी मिरर्स वगैरह हैं उसको डिटेल में मैंने क्लीन किया था, फर्नीचर वगैरह को भी मैंने डिटेल में क्लीनिंग करी थी, लाइक डीप क्लीनिंग करी थी, और मेरे जो जितने भी फॉल एंड विंटर के डेकोरेशंस थे वो मैंने हटा दिया था। और थोड़े दिन के लिए देख रहे हो ना आप पीछे मेरा काउच, ऐसे ही मैंने खाली करके और सारा जो मेरा पहले का डेकोर है वो हटा के बस रूम्स को ना ब्रीद करने दिया था, वैसे ही खाली छोड़ दिया था। तो अभी आज जो है हम उसको थोड़ा स्प्रिंग का 2022 का जो मेरा स्प्रिंग लुक होगा वो हम देने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना डेकोरेशन। तो ये है मेरा फोयर एरिया एंट्रीवे, ये है मेरा फ्रंट डोर और यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा एक मेरा रग रहता है और ये है मेरा एंट्री टेबल और ये है मेरा मिरर। तो यहाँ पहले हम डेकोर करते हैं। Thank you.
गया है डन, अभी हम चलते हैं डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम कंप्लीट, तो चलिए दूसरे कॉर्नर पे चलते हैं। तो ये कॉर्नर तो आप लोगों को याद ही होगा, फॉल के डेकोर में मैंने ये जो वेस्ट थे उसको DIY किया था, लाइक यू नो जस्ट स्प्रे पेंट मैट ब्लैक से कर दिया था और इसको मैंने यहाँ पे रखा था। और ये पिक्चर्स जो है ऑलरेडी मेरे थे तो वो मैंने ऐसे करके यहाँ पे रखे हैं। और अभी मैं एक चीज ऐड करने वाली हूँ, तो ये तो आपको याद ही होगा मैं इंडिया से लेके आई थी, एंटीक है, 100 years old है। और इस गगरी को, इस वेस को, इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं यहां पर आई थी। तो ये देखिए, ये हो गया इस कॉर्नर का लुक कंप्लीट। मेरा बैक एंट्रेंस में मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, बस ये जो ऑलिव स्टेम्स है उसको थोड़ा मैं अरेंज कर रही हूँ, बस दैट्स इट। और ऐसे ही सिंपल लुक रखूंगी। तो ये है मेरा पाउडर रूम, जो आप गेस्ट बाथरूम कह सकते हो, जैसे ही यू नो मेन फ्लोर में जो बाथरूम होता है उसको बोलते हैं पाउडर रूम। तो ये अभी ऐसा है, शेल्फ खाली है, सिर्फ वो पिक्चर लगा हुआ है और यहाँ पे टिश्यू पेपर्स है, तो इसको थोड़ा स्प्रूस अप करते हैं। तो सबसे पहले हम टैकल करेंगे शेल्फ को। ऐसा एक रैक है जहां पे मैंने इतने सारे टॉवल्स जो हैं वो रोल करके रख दिए हैं, तो इसको एक कॉर्नर में लगाते हैं। ये जो सिंक है, सिंक एरिया में एक ये पॉटेड प्लांट जो है, ये एक्चुअली फो है, तो वो मैं रखूंगी। लेकिन ये देखो कितना क्यूट है, इट्स लाइक अ वेरी स्प्रिंगी। और सिर्फ एक हैंड सोप, बस अभी एक फ्रेश टॉवल जो है मैं रख दूंगी। मैंने अपना लिविंग रूम, फोयर, डाइनिंग रूम एंड पाउडर रूम एंड प्लस वो कॉर्नर को स्प्रूस अप कर लिया है और आपको देते हैं एक अच्छा सा जो। तो स्टार्ट करते हैं फोयर एरिया से। फोयर एरिया में मैंने एक टेबल रखा है और एक मिरर है, और ये जो है टैपेस्ट्री को मैंने फ्रेम किया है। ये टैपेस्ट्री भी ब्लॉक प्रिंटिंग का टैपेस्ट्री है, उसको मैंने फ्रेम किया है। कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे, सब द थिंग्स दैट आई हैव हियर, आई ओन्ड इट, आई हैड इट, तो वही सब चीजें मैंने यूज किया है। और यहाँ पे है एक ब्रास का गणपति, चूंकि इंडियन होम है तो फोयर एरिया एंट्री वे में गणपति को रखना बहुत अच्छा होता है, भगवान जी होना चाहिए। और फिर यहाँ पे है मेरे इंटीरियर डिजाइन के बुक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका घर जो है आपकी पर्सनालिटी की रिफ्लेक्शन है, तो आप जो बुक्स पढ़ते हैं वो एक अच्छा डेकोर हो सकता है आपके लिए। तो कॉफी टेबल बुक्स आर वेरी गुड फॉर डेकोरेशन। कैंडल रखा है उसके ऊपर और ये सारी चीजें पुरानी है। फिर उसके बाद एक बोल है, बोल में मैंने एक बीड्स जैसा रखा है, जस्ट टू गेट दैट
ब्लू का एक पॉपअप कलर एंड देन आई हैव माय पॉटरी बार्न वेस व्हिच इज आल्सो आई थिंक मैं एक साल पहले ली थी और ये फ्लावर्स भी पुराने ही हैं और मैंने यहाँ पे चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स लगाए हैं तो मिरर वगैरह सब कुछ पुराना है और नीचे भी मैंने एक बास्केट रखा है और रग जो है ऐसे ही रनर यहाँ पे होता ही होता है हमेशा तो दिस इज द लुक ऑफ माय फॉयर तो ये है लिविंग एरिया और लिविंग एरिया पे मैंने सारे कुशन्स रखे हैं आपको तो याद ही होगा ये सारे कुशन्स जो मैंने अपने इंडिया के हॉल में आप लोगों को दिखाया था तो मैंने ये सारे राजस्थान से लिए हैं ये वाले जो इक्कत प्रिंट वाले जितने भी हैं और एक दो पिलो जो है वो मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने ब्लू एंड एक बहुत ही लाइक यू नो न्यूट्रल कलर का कॉम्बिनेशन किया है तो ये सारे कुशन्स मैंने यहाँ लगाए हैं दिस पूफ्स आर न्यू एडिशन तो मैंने ये दो पूफ ऐड किए हैं अगेन दिस इज स्टूडियो मैगी लाइन फ्रॉम टारगेट फिर मैंने यहाँ पे मेरा एक कॉफी टेबल मार्बल का है और ये भी बहुत ही पुराना है बहुत लोग पूछते रहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कहाँ से लिया बट आई थिंक इट्स अ होम गुड फाइंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बट इट्स वेरी ओल्ड यू नो तो यहाँ पे है और यहाँ पे मैंने ये फ्लोरल मुझे ढूंढने में बहुत मुश्किल हुआ लेकिन I finally found them and then this is the arrangement I did and ये vase जो है pottery barn का है और ये जो बगल में जो vase है वो antique है antique vase है and then these are my coffee table books again and उसके ऊपर मैंने ऐसे link रखा है तो coffee table books are very good for decoration तो ये जो है यहाँ कलना पे एक ऐसा setup है mirror and ये एक ऐसा you know, मैंने sideboard रखा है और यहाँ पे दो vase है और मैंने इसमें जो है मैंने ड्राई फ्लावर्स लगा के रखे हैं बहुत लोग पूछते हैं कि ड्राई फ्लावर्स क्या होते हैं ड्राई फ्लावर्स आर रियल फ्लावर्स उसको ड्राई करके प्रिजर्व करके रखा होता है और ये हॉबी लॉबी वगैरह में आपको मिल जाएगा इफ नॉट देन यू नो इफ यू वांट आई विल गिव यू द लिंक ए फ्लोरल करके एक ऑनलाइन स्टोर है वहां भी मिल जाएगा तो ये सारे रियल फ्लावर्स है आई विश ये सारे फ्लावर्स भी मुझे रियल वाले मिलते लेकिन you know it's impossible so I have to use here and there I have to use some faux flowers but anyways these are the dry flowers aur iska setup aisa karke rakha hai maine is corner mein again yahan pe ek mirror hai yahan pe ek dresser hai aur yahan pe maine do vase rakhe hain ye vase bhi purane hi hai last year ke hi hai aur isme again maine dry florals rakhe hain अगर आप नजदीक से देखोगे तो ये सारे ना डेजीज हैं जो ड्राई किया हुआ है और इसको बोलते हैं थिसल और ये थिसल है लाइक ब्लू कलर का है तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा पॉप ऑफ ब्लू के लिए रखा है अगेन दीज आर लाइक रियल फ्लावर्स बट ड्राई फ्लावर्स तो मैंने ऐसा सेटअप किया है यहाँ पे इस कॉर्नर में ये ऑलरेडी मेरा ये अगेन टाई डाई टेपेस्ट्री जो मैंने फ्रेम किया है ये बहुत साल पहले ही किया था और यहाँ पे अगेन मैंने लेयर करके दूसरा एक पिक्चर रखा है और कुछ भी नहीं बस एक मार्बल ट्रे है मार्बल ट्रे के अंदर जो है यहाँ पे ऊपर मैंने वेसेस रखे हैं तीन डिफरेंट हाइट्स के और बस अगेन थोड़े से बुक्स हैं नीचे और पोस्टर्स और एक लैम्प यहाँ पे रखा है और इसके कॉर्नर में एक बास्केट मैंने रखा तो ये है मेरा डाइनिंग रूम एंड ओपन कॉन्सेप्ट है मेरा घर तो जैसे कि लिविंग रूम एंड डाइनिंग रूम साथ साथ में फ्लो होता है तो डाइनिंग रूम में मैंने सिर्फ ये दो वेस भी मेरा पुराना ही है जो मैंने रखा है अगेन मैंने यहाँ पे डेजीज यूज किए हैं अगेन ये फोर फ्लावर्स हैं एंड यू नो इट वॉज हार्ड फॉर मी टू फाइंड दीज फ्लावर्स क्योंकि ये स्प्रिंग फ्लावर्स होते हैं बट एनीवेज आई फाउंड देम तो ये रहा वेसेस में आई विश ये भी रियल होते लेकिन यू नो हमेशा हर कोने में आप रियल नहीं रख सकते हो एंड देन These are the table mats that I bought. ये new है ये मैंने Hobby Lobby से लिया है और ये natural material का बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं like सीकी का बना हुआ है ना वो बोलते हैं ना जिससे आप चटाई वटाई बुनते हो ना वही material है और ये hand woven है और I try to use like mainly like organic, handmade, natural stuff, you know. तो वो सारी चीजें का कॉम्बिनेशन मैंने किया है तो इससे कलर भी पॉप अप होता है क्योंकि मेरा डाइनिंग टेबल बहुत ही डार्क है तो दिस ब्रिंग्स द कलर एंड इट्स रियली ब्राइटन्स अप द होल डाइनिंग टेबल फिर इसके बगल में मेरा ये बफे टेबल है बफे टेबल पे मैंने सिर्फ दो बेसेस रखे हैं
और ये है एंटीक एक वेस है और ये तो एक पहले से ही था मेरे पास जो मैंने यहाँ पे रखा। और यहाँ पे मैंने इस एंटीक पॉट में ड्राई फ्लोरल्स रखे हैं, अगेन डेजीज एंड थिसल्स हैं। अभी हर जगह मैं रियल फ्लावर्स नहीं रख सकती हूँ, तो एटलीस्ट ड्राई फ्लावर्स तो रख ही सकती हूँ। तो ये रहे मेरे ड्राई फ्लावर्स इन द एंटीक पॉट और ये है मेरा बुफे टेबल और ये दिस कम्प्लीट्स माई, और यहाँ पे मेरा एक ऑलिव ट्री है, तो दिस कम्प्लीट्स माई डाइनिंग रूम लुक। तो इस कॉर्नर में मैंने पहले भी बताया कि ये दो वेसेस ऑलरेडी मेरे पास थे जिसको मैंने DIY किया था, मैट ब्लैक पेंट किया था। ये पिक्चर्स भी अगेन टैपेस्ट्रीज हैं जिसको मैंने फ्रेम किया है, और बिकॉज यू नो आई लव आर्ट कल्चर, यू नो लाइक ट्रेडिशनल जो हमारी इंडिया की आर्ट्स होते हैं, तो उसको ना मैं ज्यादातर डिस्प्ले करना चाहती हूँ। तो यू नो दीज आर एंड इट्स इन अ वेरी न्यूट्रल कलर कॉम्बिनेशन। तो ये जो है देखो, इसमें ये टैपेस्ट्री में भी न्यूट्रल कलर्स हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग है, तो ये सारे मैंने फ्रेम किए हैं। एंड ये रही मेरी एंटीक पॉट जो आपने मेरी इंडिया वाली हॉल में देखा। मैंने बताया बैक एंट्रेंस में, दिस इज द गैराज डोर, बैक एंट्रेंस में मैंने बहुत ही सिंपल रखा है एक मिरर एंड एक वेस जो कि बहुत ही पुराना है, और उसमें सिर्फ मैंने ऑलिव ब्रांचेस। तो पाउडर रूम में मैंने कुछ भी नहीं किया है, सारी चीज पुराने ही है, सिर्फ वो पिक्चर मैंने एक ऐड किया है जस्ट टू गिव दैट फ्रेश लुक, क्योंकि वो ना एक लाइक जैसे हैंडमेड पेपर होता है ना, उसमें ही वो प्रिंट किया हुआ है, तो आई जस्ट गेव दैट जस्ट टू गिव दैट फ्रेश लुक मैंने वो पिक्चर ऐड किया है। ये सारे हमेशा ही होता ही है यहाँ पे, ये जो मेरा टॉवल्स है इसको मैं ऐसे रोल करके ऐसे रैक में रखती हूँ, एंड सिर्फ ये वाली जो फ्लोरल्स है वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। अगेन देखो, ये जो पॉट है ना, ये बहुत ही पुरानी एंटीक एज्ड पॉट लगती है ना, तो वो मैंने यहाँ पे रखा है। एंड देन लाइक आई सेड, किचन एंड बाथरूम्स में मैं हमेशा ही सीजन के हिसाब से टॉवल्स चेंज करती हूँ, तो मैंने एक फ्रेश लुक देने के लिए ये वाली फ्लोरल वाली एक आपको फ्लोरल नहीं दिख रहे होंगे लेकिन ये देखो इसमें ना ऐसे ही बनाए हुए ना, बहुत ही म्यूटेड है, तो फ्लोरल वाली जो फ्रिंजेस हैं इसमें, और बहुत ही न्यूट्रल कलर का एक टॉवल जो है मैंने यहाँ पे रखा है और एक यहाँ पे रखा है, एंड देन आई जस्ट पुट अ हैंड सोप हियर। Thank you.
तो ये था मेरा लिविंग रूम, फॉयर, पाउडर रूम एंड डाइनिंग रूम का स्प्रिंग 22 का डेकोरेशन। और जैसे कि आपने देखा कि अगेन मैंने थोड़े बहुत पॉप्स ऑफ ब्लूज यूज किए हैं ताकि वो ब्लू जो है पूरे घर में फ्लो होता रहे, उसको ही मैंने एक स्प्रिंग के कलर के तौर पे यूज किया है। बाकी सारी चीजों को मैंने बहुत ही न्यूट्रल रखा है और मैंने मॉडर्न चीजों को एंटीक एंड विंटेज चीजों से मिक्स किया है और बहुत सारे टेक्सटाइल्स भी मैंने यूज किए हैं। और जितने भी टेक्सटाइल्स हैं, जितने भी आपने देखा, जितने भी मैंने फ्रेम किया है, वो सारे इंडिया के ही टेक्सटाइल्स हैं। तो इस तरह से मैंने अपने लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, फॉयर एंड पाउडर रूम को स्प्रिंग के लिए स्प्रूस अप किया है। तो डाउनस्टेयर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरा बेडरूम का डेकोर। और बेडरूम का डेकोर में मैं यूज करने वाली हूँ वो सारे क्विल्ट्स जो मैं इंडिया से लेके आई हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरी ये स्प्रिंग 22 का डेकोर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड ऑलवेज कीप